गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 12th में एटम्स में आगे बढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट हमने एटम्स टॉपिक फिनिश कर दिया है, आज हम कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स और देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं इसको। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर वन जो है, इसके अंदर हमें ये मैच करना है इसमें, ठीक है? ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं इसको जरा। लेफ्ट साइड में है जेड क्यूब बाय एन फाइव, जेड हो गया एटॉमिक नंबर, एन हो गया स्टेट, यहाँ आ जाता है एंगुलर स्पीड। मैच करेंगे मतलब कौन इनमें किसके प्रोपोर्शनल चल रहा है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। फिफ्थ है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए इसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, ये इस तरह से। तो अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो फर्स्ट को अगर हम यहां से देखते हैं, ओमेगा एंगुलर स्पीड, दिस इज वी बाय आर, ठीक है? जो वी है that is proportional to z by n, r जो है that is proportional to n square by z, therefore omega which is v by r, so it is proportional to z by n or n square by z, omega proportional किसके हो गया z square by n cube, ठीक है? तो इस केस में first जो है ये किससे relate हो रहा है, c से, ठीक है जी। फिर हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, इसकी वैल्यू दी बी विच इज म्यू नॉट आई बाय टू टाइम्स आर। आई जो है इसकी वैल्यू भी ई बाय टाइम पीरियड, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। टाइम पीरियड जो है ऐसे ले लेते हैं इसको हम, आर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, अगेन जैसे यहाँ लिखा है हमने, और जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी, आर बाय वी। तो वो अभी हमने किया ही था, आर ये वी बाय आर था, देयरफॉर आर बाय वी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, देयरफॉर टाइम पीरियड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, ठीक है? तो ये आ गई वैल्यू मेरे पास। तो अभी करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो बी जो है तो इसको पहले मैं एक काम करता हूँ, इस तरह से देख लेते हैं। आई जो है बाय आर इज प्रोपोर्शनल टू, आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, वन बाय
टी आर, आर किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाय जेड, दिस इज एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर बाय आर, एन स्क्वायर बाय जेड, तो बी प्रोपोर्शनल हो गया जेड क्यूब बाय एन फाइव, ठीक है जी। सो दिस इज ए पार्ट, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पे आते हैं हम, थर्ड पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की इन nth ऑर्बिट। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो देखिए किस पे डिपेंडेंट है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी के, और वो सब ये टोटल एनर्जी के प्रोपोर्शनल चल रही हैं, और टोटल एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया फिर से बी पार्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं हम फोर्थ, विच इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड जो है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट दैट इज प्रोपोर्शनल टू, स्पीड दैट इज प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन, तो ये हो गया डी फिफ्थ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन दिस इज इक्वल टू वन बाय टी वी बाय टू पाई आर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन आर विच इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, ठीक है ना, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, तो ये हमारे पास जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, दिस इज सी, ठीक है। तो इन ऑल हमारे पास इस टाइप से ये बन गया, जो ए है उसके ऑप्शन में है टू, बी उसके लिए हो गया थर्ड, सी के लिए हो गया वन एंड फाइव, ठीक है, डी के लिए हो गया फोर, ठीक है जी। ये तरीका, ये सिक्स मार्क प्रॉब्लम होती थी आईआईटी के अंदर एडवांस में, जिनमें एक साइड जो दूसरे में ज्यादा के साथ मैच हो सकती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, ये हमने कवर कर लिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। मूविंग H atom absorbs a photon. Moving H atom absorbs a photon of lambda 122 nanometer and comes to rest. The speed of moving hydrogen was, this is 3.25 meter per second, 6.5 meter per second, 1.75 meter per second, ठीक है जी। बेसिकली ऐसे समझते हैं, ये एक मूविंग हाइड्रोजन है जो बी से जा रहा है और इस तरफ से फोटोन आ रहा है, तो इसका रिजल्ट जो है फाइनली वो है रेस्ट पे आ गया, ठीक है। Therefore, मुझे इसको किस तरह से करना है, मोमेंटम ऑफ एच एटम इक्वल्स मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है। फाइनली क्योंकि वो जीरो है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं,
So momentum of H atom, mass of H into velocity is equal to, इसकी वैल्यू हो जाएगी P of photon. Using lambda is equal to H by P photon. Therefore, mass of hydrogen into velocity is equal to H by lambda. तो V की वैल्यू आ जाएगी H by lambda mass of hydrogen. This is 6.6 into 10 की पावर minus 34 by lambda is 122 10 की पावर minus 9 into mass of hydrogen. So that is 1.6 10 की पावर minus 27. H की वैल्यू इज दिस, ये दिया हुआ मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1.6 10 की पावर माइनस 27 है. तो ये देखते हैं वेलोसिटी कितनी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ रही है. 6.6 डिवाइडेड बाय 122 डिवाइडेड बाय 1.6 यार 0.0338 इनटू 10 की पावर माइनस 34 प्लस 36. तो वेलोसिटी आ रही है हाइड्रोजन एटम की 3.38 मीटर पर सेकेंड. तो अप्रोक्सीमेटली ए आंसर बन रहा है इसके अंदर. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास. इसके अंदर हम ये थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 27 केजी. This is also equal to 1 AMU atomic mass. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, दिस इज एटॉमिक कोलिजन्स. ठीक है, अब इसमें एटम के जो कोलिजन्स हो रहे हैं या तो फोटोन के साथ या आपस में, वो कैसे डील करने हैं हमें देखते हैं. ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनता है. अ न्यूट्रॉन मूविंग विद स्पीड वी कोलाइड्स विद स्टेशनरी एच एटम. ठीक है जी, जैसे न्यूट्रॉन एच एटम के साथ कोलाइड कर रहा है, यह एक एच एटम दूसरे एच एटम के साथ कोलाइड कर रहा है. एच एटम टेक कोलिजन एज इनइलास्टिक वन. ठीक है, कोलिजन इज इनइलास्टिक. फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन required for this. Minimum बतानी है. ठीक है जी, and mass of neutron is taken as mass of hydrogen. ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास. इसके अंदर हम ऑप्शन दे देते हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस नॉन. ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं. नाउ टू फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मुझे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देखनी है. टू फाइंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, टेक कोलिजन एज कंप्लीटली इनइलास्टिक वन. Completely inelastic one. ठीक है, after collision both bodies stick together. Both bodies stick together. ठीक है, after collision both bodies stick together. तो इसको हम इस तरह से ले लेते हैं कि दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये मूव कर रहा है वी से, ये एच है रेस्ट पे,
After this, ये दोनों n plus h moves together, v dash. Therefore, ये आ जाएगा mass of neutron into v plus zero is equal to 2m v dash. So v dash की वैल्यू आ जाती है v upon में 2. ठीक है? Now, energy lost, जो भी kinetic energy है. Kinetic energy lost is given to H atom and is utilized in transition. जो electron transition कर रहा है उसमें वो utilize हो जाती है. तो हम देखते हैं what is energy lost. तो वो इस तरह से हम देख लेते हैं. ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू हाफ टू एम वी डैश स्क्वायर प्लस एनर्जी लॉस्ट. एनर्जी लॉस्ट हाफ एम वी स्क्वायर हाफ ए टू से टू कैंसिल एम वी डैश स्क्वायर दिस इज एम वी स्क्वायर बाय फोर एनर्जी लॉस्ट mv square by 4. ठीक है, ये आ गया हमारे पास एनर्जी लॉस्ट. तो अब ये किस तरह से हम डिसाइड करेंगे एनर्जी लॉस्ट को, इसके लिए हमने देखना है कि मिनिमम कितना एक्साइटेशन के लिए चाहिए, वो इसमें ये यूज हो रहा है. ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. एज एनर्जी लॉस्ट इज यूटिलाइज्ड in transition, therefore minimum energy required for transition, कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन के लिए, is for 1 से 2. ठीक है जी, delta E minimum is equal to 13.6 1 square 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर. ठीक है, तो इसके अंदर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू है 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 4 इनटू 3, दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देयरफॉर ई लॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा ई मिनिमम. This is mv square by 4 is equal to 10.2. mv square by 2 is equal to 20.4 electron volt. ठीक है? तो kinetic energy जो है for neutron that must be greater than or equal to 20.4 electron volt. ठीक है जी? याद आएगा हमारे पास. ठीक है बेटा, चेक कर लो फिर से. वो कह रहा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए न्यूट्रॉन की. तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हम ऐसे लेते हैं, न्यूट्रॉन पहले आ रहा था हाइड्रोजन रेस पे था, फिर वो दोनों मूव करने लगे, दोनों दे विल स्टिक टुगेदर. तो दिस इज अ कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन. डिफरेंस इन एनर्जी दैट इज द काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस जो है व्हिच हैज बीन लॉस्ट इज गेन्ड बाय हाइड्रोजन एटम फॉर मेकिंग यूटिलाइज्ड इन ट्रांजिशन ऑफ एच एटम इलेक्ट्रॉन. ट्रांजिशन ऑफ, ऐसे लिखते हैं इसको हम, इलेक्ट्रॉन्स इन एच एटम. तो वो हम देख लेते हैं क्या ये बनती है. हाफ एम वी स्क्वायर हाफ टू एम वी डैश स्क्वायर प्लस एनर्जी लॉस्ट. तो एनर्जी लॉस्ट आ गया. ये एनर्जी लॉस्ट जो है दिस इज यूटिलाइज इन ट्रांजिशन. कौन सी ट्रांजिशन है, मिनिमम 1 से 2. तो ये डेल्टा ई मिनिमम जो है वो ये आएगा 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर. ठीक है जी, तो ये वैल्यू 10.2 आती है. तो एनर्जी लॉस्ट इज दिस mv स्क्वायर बाय 4 व्हिच इज डेल्टा ई मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. mv स्क्वायर बाय 2 जो है वो 20.4 आ गया. दिस इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ. ठीक है, बताइए.
फिर वो पेस्ट टर्न करना। हाँ सर, क्वेश्चन टू में हमें ये कैसे पता लगा कि मोमेंटम ऑफ एच एटम विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन? कोई नेट फोर्स नहीं है ना, अगर एक फोटो हमारा और फोटोन आर दोनों रेस्ट में तो मोमेंटम कंजर्व होगी ना, कोलाइड कर रहे हैं तो उसमें कंजर्व कहाँ किया हमने मोमेंटम ऑफ एच एटम? अरे तो वो इनिशियल मोमेंटम ही माइनस करके लिखूंगा ना, माइनस मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू फाइनली जीरो। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना, इनिशियल मोमेंटम है, ये भी इनिशियल है, कंजर्व हो गया वो। ठीक है जी, आइए देखते हैं ये हम क्वेश्चन नंबर फोर। ए फोटोन कोलाइड्स विद स्टेशनरी एच एटम। इन ग्राउंड स्टेट इन इलास्टिकली एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग फोटोन इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट After a time interval of order of microsecond, another photon collides with same hydrogen. H atom inelastically with an energy electron volt. What will be observed by detector? ठीक है जी, कॉन्सेप्ट है डिटेक्टर क्या ऑब्जर्व करेगा। इसके ऑप्शन है हमारे पास, इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ए पार्ट वन फोटोन ऑफ एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड पार्ट है टू फोटोन्स ऑफ एनर्जी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी पार्ट वन फोटोन ऑफ एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अनदर फोटोन ऑफ एनर्जी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू फोटोन्स ऑफ एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, ये है हमारी ऑप्शंस। आइए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है हमें। इस केस में फॉर एन एटम इसको ऐसे ले लेते हैं, ये ठीक है जी, सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर एच एटम केस वन, इफ एनर्जी जो है वो कम हो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ जो कोलाइडिंग फोटोन जो है वो लेस देन हो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, देन
मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे एच एटम को, देन मोमेंटम ट्रांसफर टू एच एटम, एंड एच एटम विल मूव. मतलब अगर ये बेसिकली हम इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, एच एटम रेस्ट पे था, मोमेंटम फोटोन आया, उसने उसको हिट किया और फाइनली एच एटम मूव करने लग जाएगा. ठीक है. देन केस टू, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इलेक्ट्रॉन इन एच एटम gets excited and reaches first excited state. Immediately falls back and releases electron. Releases photon. electron volt का वापस भेज देगा. इसका मतलब अगर कोई फोटोन कोलाइड कर रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो उसमें पहले एटम एक्साइट होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, फिर वो अगेन इट विल फॉल बैक गिविंग अ ट्रांजिशन ऑफ 2 to 1 और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक और फोटोन रिलीज हो जाएगा उसमें से. ठीक है. थर्ड केस देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाते हैं इसको, थर्ड केस देख लेते हैं. अगर इफ एनर्जी ऑफ फोटोन लाइज बिटवीन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसके बीच में 10.2 से 13.6, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, देन एक्साइटेशन तो होगी, एक्साइटेशन फॉलोड बाय रिलीज ऑफ फोटोन. Of photon plus momentum transfer to H atom. Basically, इसमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कॉम्पनसेट हो जाएगा rest of energy जो ज्यादा है ना 10.2 से, तो माइनस करके जो है बाकी वो मोमेंटम ट्रांसफर में जाएगी एच एटम के. इस तरह से हुआ. केस फोर, अगर फोटोन जो है उसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, देन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड. तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूटिलाइज्ड. ठीक है. एंड बैलेंस एनर्जी इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन प्लस बैलेंस एनर्जी जो भी इससे ज्यादा होगी 13.6 से इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी उसको. तो अभी हम इसको देखते हैं किस तरह से, अब इस केस में क्या बनता है आप देख लीजिए. तो एक फोटोन कोलाइड कर रहा है, एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग फोटोन इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बेसिकली एक तो फोटोन निकलेगा इन दिस क्वेश्चन. नाउ इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक तो 10.2 का निकलेगा, वन फोटोन ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज्ड. ठीक है जी.
एक तो वो निकलेगा प्लस, अब क्या है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ज्यादा हम कर रहे हैं, एंड ड्यू टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा क्योंकि 13.6 पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 15 माइनस 13.6 विच इज 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी, ये आ गया इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास, क्लियर है आपको अब ये, तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, जिसके अंदर हमें अगर कोलिजन होगा और 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर फोटोन की एनर्जी है फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, बताइए सर एक बार केस 3 दिखाना सर, इसमें अगर बीच में कोई होगा तो फिर एक एक्साइटेशन होगी और फोटोन रिलीज हो जाएगा, तो बाकी एनर्जी वो एच एटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी, हाँ मोमेंटम ट्रांसफर होगा ना वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है जी। अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम जो आए हुए क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अब्सॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ लैम्डा 980 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ एटम in excited state in terms of Bohr radius a naught will be, इसमें h into c को हम लेंगे 12500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है, दिस इज 9 a naught 16 a naught 4 a naught 25 a naught, ठीक है जी, ये है 2019 JEE 11 जैन फर्स्ट अटेम्प्ट, सॉरी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं 11 जैन में सेकेंड सेशन और फर्स्ट सेशन में होता है ना मॉर्निंग और इवनिंग में, फर्स्ट सेशन का है, आइए इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम जो है वो इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइट हुआ वो लैम्डा लेकर, तो फाइनली हम देखते हैं यहाँ पे एस सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर ग्राउंड स्टेट से एन तक, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, दिस इज 12500 बाय लैम्डा, दिस इज 980 बाय 13.6 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, ठीक है जी, इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ रही है, 12500 डिवाइडेड बाय 980 डिवाइडेड बाय 13.6 दिस इज 0.9378 1 minus 1 by n square. So 1 by n square is equal to 0.0621. This is 0.06212. Approximately n square आ जाता है 16. N की वैल्यू आ गई 4. Fourth state में पहुंच गया ये इलेक्ट्रॉन, तो अगर बोहर रेडियस ए नॉट है तो जो रेडियस यहाँ पर आता है
that is n square a naught. This is 16 a naught. ठीक है, n की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 a naught. B is the right answer. चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें. ठीक है जी, एस सी वाई लैम्डा किया हमने, एस सी की वैल्यू गिवन थी, लैम्डा डाल दिया, 13.6 से इक्वेट किया, ग्राउंड स्टेट से एन स्टेट में लेके जाना है, एन कैलकुलेट करा हमने, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, एन इज 4, तो अभी फोर्थ स्टेट में ए नॉट जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व कर रहा है, तो फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर ए नॉट एन एथ स्टेट इंटू ए नॉट फर्स्ट बोहर रेडियस. एन की वैल्यू कितनी है 4, तो 16 टाइम हो गया. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें हम. सिक्स्थ, इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम M shell to L shell, the wavelength of emitted radiation is lambda. ठीक है जी, हाइड्रोजन लाइक एटम में when an electron jumps from M shell to L shell, the wavelength of emitted radiation is lambda. If an electron jumps from N shell to L shell, the wavelength of radiation emitted will be 25 lambda by 16, 27 lambda by 20, 16 lambda by 25, 20 lambda by 27. ठीक है जी, और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आया है 2019 जनवरी जेई मेन में फर्स्ट सेशन में. आइए इसको सॉल्व करते हैं. एम शेल का मतलब है, ये पहले लिख लेते हैं सारे शेल्स के बारे में भी हम, इस शेल का क्या मतलब है. के शेल n इज इक्वल टू 1, एल शेल n इज इक्वल टू 2, एम शेल n शेल. ठीक है जी, तो एम शेल to L shell means 3 to 4 transition 4 to 3 हो गया, 3 से 4. wavelength देखते हैं, R Z square. ठीक है, ये आ गया from N shell to L shell. ठीक है, एन शेल क्या है 4, 2 एल शेल हो गया 2. इसके अंदर हमारे पास 1 बाय लैम्डा डैश इज आर जेड स्क्वायर, 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर. ठीक है जी, फ्रॉम 1 इन 2 डिवाइड 1 इन 2 डिवाइड 1 एंड 2, दिस इज लैम्डा डैश बाय लैम्डा.
ये आ जाएगा 9 माइनस 16 अपॉन 4 माइनस 16 7 बाय 9 इंटू 16 3 बाय 16 7 बाय 9 3 7 ये आ जाएगा 16 माइनस 9 ये था M shell to L shell सॉरी आया है M shell to L shell 2 ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ठीक है तो ये वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बाय 9 5 बाय 4 इंटू 9 ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 5 बाय 4 इंटू 9 3 बाय 16 20 बाय 27 देयरफॉर लैम्डा डैश की वैल्यू आ जाती है 20 लैम्डा बाय 27 आंसर इज डी ठीक है जी ये आ जाता है हमारे पास चेक कर लीजिए सब आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर हम An alpha particle of mass m suffers one-dimensional elastic collision. One-dimensional elastic collision with a nucleus. At rest of unknown mass. It is scattered directly backwards, losing 64% of its initial kinetic energy. The mass of nucleus is this is 4m 1.5m c part 3.5m d hai 2m ठीक है तो ये क्वेश्चन था 2019 जनवरी 12 सेकंड शिफ्ट ठीक है जी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट इस तरह से आइए अब इसको देख लेते हैं एक बार अल्फा पार्टिकल है ये न्यूक्लियस के साथ एक आ रहा है रेस्ट पे scattered directly backward losing 64% of initial energy आइए देखते हैं seventh तो ये इस तरह से था alpha particle ये capital M के साथ hit करेगा ये था ऐसे capital M rest पे ठीक है finally ये जो है इट मूव्स बैक ये पता नहीं हमें कि कितनी एनर्जी से जाएगा ये आगे चला जाएगा ठीक है इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं ये वापस आ गया इसको ले लो v1 ये हो गया v2 ठीक है जी तो ये आ जाएगा इसका मास m है अल्फा पार्टिकल का m इनटू u
प्लस जीरो माइनस एम वी वन प्लस कैपिटल एम वी टू फर्स्ट. ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फाइनली जो है वो कितनी है, उसने लूज कर दी कुछ एनर्जी, 64% एनर्जी लूज कर दी, तो दिस इज 36% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनिशियली. हाफ एम वी वन स्क्वायर 36/100 इनटू हाफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो बोल रहा है हाफ एम वी वन सॉरी हाफ एम यू स्क्वायर. Therefore, V1 square is 36/100 U square. V1 की वैल्यू आ गई 6/10 times U. ठीक है जी. Therefore, न्यूक्लियस का मास बताना है. Therefore, from 1. mu plus small m v1 which is 6/10 times u capital M v2 यह आ जाएगा 16/10 mu capital M v2. ठीक है. अब जो एनर्जी इसकी लूज हुई है वो एक्चुअली किसको मिली है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल M विल बी 64% of kinetic energy of small m initially. ये आ गया half of capital M V2 square, 64 times half of small m U square. ठीक है जी. Therefore, ये आ जाए capital M V2 square 64/100 M U square. Therefore, seconds हम use करते हैं. From second, question 2. V2 की value यहाँ पे डालेंगे हम. 16/10 mu by capital M का square. 64/100 half mu square. ये आ जाएगा 16 × 16/100. कैपिटल एम एम स्क्वायर यू स्क्वायर बाय कैपिटल एम स्क्वायर एम यू स्क्वायर. ठीक है, ये कैंसिल करते हैं इसको, ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 16 यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक बचेगा ये स्मॉल एम बाय कैपिटल एम 4 और नीचे 2. ठीक है जी. देख लीजिए क्या वैल्यूज की बनती है हमारे पास. कैपिटल एम एक सेकंड इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार. ये वैल्यू आ जाएगी, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, इसको कट करते हैं, ये इधर हाफ से हाफ कैंसिल हो गया. एम वी टू स्क्वायर 64/100 एम यू स्क्वायर. इक्वेशन 2 को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 6/10 यू. इसमें वी टू की वैल्यू डालते हैं, 16 एम यू बाय 10 एम का स्क्वायर. यहाँ ये हाफ कैंसिल करना है, ठीक है ना, ये भी हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आएगी. ठीक है जी. एक 16 इससे कैंसिल हुआ 4, और ये बच गया कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इज इक्वल टू 4. कैपिटल एम विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल एम.
ये आंसर आ जाता है हमारे पास. दिस इज ए पार्ट, चेक कर लीजिए इसको भी. ठीक है जी, कैसे किया इसमें अल्फा पार्टिकल जो है वो वन डायमेंशनल कोलिजन आ रहा है और वापस बाउंस बैक करता है अल्फा पार्टिकल. 64% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, बची कितनी 36% वो उसके पास आती है और 64% उसकी ट्रांसफर हो जाती है कैपिटल एम को. तो वो दोनों हमने यूज किए, उससे हमारे पास वैल्यू आ गई. ठीक है जी, आइए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. द इलेक्ट्रॉन इन एच एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सब्सिक्वेंटली and subsequently to first excited state. The ratio of respective wavelength lambda 1 by lambda 2 of photons emitted in this process is 20/7, 27/5, 7/5, 9/7. ठीक है जी, ये आ गया. ये जो आया हुआ है क्वेश्चन, दिस केम इन 2019 JEE मेंस 12th April. ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें. इलेक्ट्रॉन इन एच एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. देखिए इसमें सॉल्व करते हैं इसको. फर्स्ट थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ है n=4. ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n=3 एंड सब्सिक्वेंटली टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=2. वेवलेंथ जो एमिट हो रही है 4 to 3 में वेवलेंथ एमिट हुई लैम्डा 1, 3 to 2 में वेवलेंथ एमिट हुई लैम्डा 2. ठीक है जी, ये आ रहा है, आइए उसको देख लेते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/λ₁ r जेड स्क्वायर, तो कैंसिल होना वैसे ही 3² - 4² 1/λ₂ 2² - 3² ठीक है जी. लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 ये आ जाएगा 1/2² - 1/3² कौन 1/3² - 1/4² This is 20/7. ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ये आंसर आ जाता है इसका, चेक कर लीजिए. ठीक है, ये पार्ट इज द आंसर.
नेक्स्ट पे देखते हैं। एन एक्साइटेड हीलियम प्लस आयन एमिट्स टू फोटॉन्स इन सक्सेशन, ठीक है, एक के बाद एक विद वेवलेंथ नैनोमीटर एंड 30.4 नैनोमीटर इन मेकिंग अ ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट। The quantum number corresponding to its initial excited state is 4 photon of wavelength lambda, energy is 12400 electron volt by lambda in nanometer, ठीक है जी। इसमें हमारे पास n की वैल्यू आ रही है 4, n is equal to 5, n is equal to 7, n is equal to 6। आइए इसको देख लेते हैं। दो फोटोन आ रहे हैं, एक के बाद एक। फाइनल ट्रांजिशन है एन से ग्राउंड स्टेट। तो ये आ गया एच सी बाय लैम्डा 1 प्लस एच सी बाय लैम्डा 2। दिस इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर 1/n स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इट इज 1240, ये आ जाता है 108.5 प्लस 30.4 13.6 जेड आई टू 1 - 1/n स्क्वायर, ठीक है जी। ये वैल्यूज हम इसमें चेक कर लेते हैं। ये आएगा 1240 डिवाइडेड बाय 13.6 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू आती है 22.8 डिवाइडेड बाय 108.5 प्लस 22.8 डिवाइडेड बाय 30.4, दिस इज 1 - 1/n स्क्वायर। तो 22.8 डिवाइडेड बाय 108.5 0.21 प्लस 22.8 प्लस 30.4 दिस इज 53.2, दिस इज 22.8 डिवाइडेड बाय 30.4 0.75। ये आ जाएगा 0.96 1 - 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर इज 0.04 4/100 1/25, n की वैल्यू आ जाती है 5, ठीक है जी। बी पार्ट इसका आंसर बनता है, ठीक है बेटा। तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, एटम्स हमारा कंप्लीटली फिनिश्ड है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।